मध्य प्रदेश के सियासी संकट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण टल गया है, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक याचिका दाखिल की है। इस मामले को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश का सियासी संकट अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्लोर टेस्ट के आदेश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से याचिका दाखिल करके की है। जिस तरह से लगातार संभावना दिख रही थी कि यह मामला अंत में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फैसला वहीं से आएगा, और आखिरकार वही हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट आज होना था, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ और विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई, ये कहते हुए कि कोरोना का खतरा है, एहतियातन कदम हम उठा रहे हैं। कांग्रेस लगातार कह रही है हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले बेंगलुरु में रखे गए विधायकों को बीजेपी छोड़े। वहीं बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और अब ये मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। शिवराज सिंह चौहान ने याचिका दाखिल की ये कहते हुए कि फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। अब महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या कुछ सरकार की तरफ से इसमें पक्ष रखा जाता है। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट चलने के बाद बीजेपी परेशान है। एक तरफ जहां उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो वहीं बीजेपी के विधायक राजभवन पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे उनके साथ हैं। जायजा लिया है हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक विधानसभा से राजभवन पहुंचे हैं। नरोत्तम मिश्रा फ्रंट सीट पर, देखिए बस में सारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन के अंदर बाकायदा पूरे बस से पहुंचे हैं। यानी अभी भी विधायकों को अलग अलग नहीं जाने दिया गया, सारे के सारे विधायक राजभवन पहुंचे हैं बस के अंदर। और कुछ ही देर पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मध्य प्रदेश के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे पहुंचे, बाकी सारे कई सारे बड़े नेता गाड़ियों से पहुंच रहे हैं और इसके अलावा जो बाकी की गाड़ियां हैं वो भी पीछे चली आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब विधानसभा का सत्र स्थगित होने के बाद 26 तारीख तक जब स्थगित कर दिया कोरोना वायरस के चलते, तो अब भारतीय जनता पार्टी राजभवन पर पहुंची है, राज्यपाल के दरवाजे पर। और राज्यपाल के दरवाजे पर हम देख सकते हैं कि लगातार जो एक पहले बस पहुंची, बस के बाद लगातार गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है, कई सारे नेता पहुंच रहे हैं, तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और राजभवन में हलचल बहुत तेज हो गई है। राजभवन में भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक अब अपनी बात रखेंगे और ये आप देख सकते हैं लगातार जो स्टाफ है जो मंत्रियों का वो भी पीछे पीछे गाड़ियों में जा रहा है। पूरी की पूरी कोशिश यही है कि राजभवन पर अपनी दस्तक दी जाए, राजभवन के आगे, राज्यपाल के आगे कहीं ना कहीं अपनी बात रखी जाए कि किस तरीके से विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया है। भाजपा का कहना है कि सरकार अल्पमत में है और अब उसे आगे रहने का कोई अधिकार नहीं है। फ्लोर टेस्ट की जो मांग रखी थी, राज्यपाल ने निर्देशित किया था, वो विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं कराया। पूरी की पूरी कार्रवाई को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहुंचे हैं। भाजपा के पक्ष से कुछ कानून के जानकार भी राजभवन के अंदर पहुंचे हैं और कवायद इसी बात की है कि अब आगे क्या निर्णय लिया जाना है, इसको लेकर राज्यपाल से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है कि ऐसी संवैधानिक परिस्थितियों में आखिर कानून क्या कहता है, नियम प्रक्रियाएं क्या कहती हैं। कैमरामैन राहुल के साथ सचिन चौधरी, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। सचिन, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे राजभवन से। सचिन, ये बताइए इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या बीजेपी के विधायक अभी भी मौजूद है राजभवन में? और खबर ये भी है कि 107 विधायकों की बीजेपी ने एक सूची भी दी है राज्यपाल को। देखिए, 107 विधायकों की सूची तो चूंकि बीजेपी की तैयार है, बीजेपी का कहना है कि हमारे अपने विधायक तो हमारे साथ हैं ही, और इसीलिए दो बसों में भरकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं दो बसों में भरकर पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने। राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी पहुंचे हैं और कुछ कानून के जानकारों को भी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष राज्यपाल के सामने रख रहे हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं। हालांकि कुछ ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजभवन से निकल चुके हैं, उन्होंने
इस पूरे मामले पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि वह केवल सौजन्य भेंट करने आए थे राज्यपाल से और इसके अलावा कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अभी भी राजभवन में मौजूद हैं, राज्यपाल के सामने बात चल रही है और एक गाड़ी को लीड कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा, दूसरी गाड़ी को लीड कर रहे थे खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ये सब के सब अब राजभवन में अपनी बात रख रहे हैं, सूची सौंप रहे हैं। और हो सकता है कि बीजेपी जो 16 विधायक अभी कांग्रेस पार्टी के हैं, हो सकता है कि उनकी भी आने वाले समय में परेड करा सकती है राज्यपाल के सामने। ऐसी भी कुछ सूत्रों से खबर आ रही है कि हो सकता है कि राज्यपाल के सामने विधायक आके कहें कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हैं। इस प्रकार की कोशिश कम से कम बीजेपी अभी इस पूरे पहलू पर भी विचार कर रही है, लेकिन ये पहलू फिलहाल कानून के पास पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्दी से याचिका पर सुनवाई करता है, क्या इसका फैसला देता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक राजभवन में अपनी बात रख रहे हैं। जी, जिस तरह से सचिन आप बता रहे हैं कि विधायकों की वहां पर परेड हो रही है, ये बीजेपी के अभी विधायक हैं, लेकिन खबर आप ये भी दे रहे हैं कि हो सकता है कि 16 विधायक जो बेंगलुरु में हैं उनको लाकर भी राजभवन में परेड कराए बीजेपी। आप ये बताइए, अब ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास क्या कुछ विकल्प मौजूद हैं, क्या कर सकते हैं राज्यपाल? देखिए, राज्यपाल के पास विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने का विकल्प नहीं है। राज्यपाल के पास एक अंतिम विकल्प है, सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना, केवल यही विकल्प राज्यपाल के पास है। विधानसभा की कार्रवाई का स्थगित होना, 26 तारीख तक के लिए स्थगित होना, इस पर राज्यपाल जो कानून के जानकार बताते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचेगा तो विधानसभा अध्यक्ष से भी उनका पक्ष सुना जाएगा, राज्यपाल से भी उनका पक्ष सुना जाएगा, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी उनका पक्ष सुना जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पक्ष सुना जाएगा। तो इन सारे पक्षों को सुने जाने के लिए बाकायदा आधार बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हमने ये प्रोसेस अपनाई, राज्यपाल भी ये कहें कि हमने ये प्रोसेस अपनाई। तो जब सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय लेने के पहले सारे पक्षों से अपनी बात को मंगवाएगा कि आप अपना पक्ष रखिए और सारे पक्षों को सुनकर ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा। इसलिए अब भोपाल में केवल तैयारी इस बात की है, चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो या राजभवन हो, सब अपना पक्ष क्या रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, इसकी कानूनी पहलुओं की तैयारियां शुरू हो गई।